अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री के साथ पेश हुआ हूँ। मैं आपको आज एक और बर्बरी ब्रीड की गोट दिखाऊंगा और इसकी प्योरिटी बताऊंगा और इस पर क्या पॉइंट्स देखे जाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं मेरे पास एक बर्बरी ब्रीड की गोट है, फीमेल गोट है ये, और इसकी एज भी बताऊंगा, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, बर्बरी ब्रीड सूबा-ए-सिंध की ब्रीड है और सूबा-ए-सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का एक सूबा है जो कि सिंध के नाम से जाना जाता है। सिंध में कई ब्रीड्स पाई जाती हैं, लेकिन बर्बरी ब्रीड जो कि है आज के दौर में बहुत रेयर हो चुकी है। ये आज से 10 से 15 साल पहले गोश्त के लिए इस्तेमाल की जाती थी, मीट पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती, इनको काट के मीट इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस पर तवज्जा किसी ने नहीं दी और ये बकरी इतनी रेयर हो गई कि आज के दौर में इस तरह की बकरी मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब मैं आपको थोड़े से तो व्यूअर्स मैं आपको इसके पॉइंट्स बता रहा था, अब मैं आपको इसके पॉइंट्स बताऊं कि इसमें क्या पॉइंट्स देखे जाते हैं, किस तरह इसमें ब्यूटी देखी जाती है। तो सबसे पहले आपने गौर करना है कि इसके ईयर्स की तरफ, इसके ईयर्स आप देख रहे हैं बिल्कुल मारवाड़ी हॉर्स की तरह है। आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई चीज पास नहीं हो सकती इसके ईयर्स के पास से, वरना अमूमन और गोट्स के आप देखेंगे ईयर्स के पास काफी गैप होता है। अब आप देखते हैं ये ईयर जैसे ही मर्ज करती है तो इसके पास बिल्कुल गैप खत्म हो जाता है। ये इसके गैप, इसके ओरिजिनलिटी की निशानी आप देख सकते हैं कि दोनों मर्च करते हैं ईयर्स, दोनों इसकी जो टॉप है दोनों आपस में मिलती हैं और इसके बीच से आप देख सकते हैं यूं बिल्कुल एक हार्ट टाइप का शेप बनता है। ये इसके ओरिजिनलिटी की और प्योरिटी की निशानी है। इस टाइप की गोट्स इस दौर के अंदर 2021 में ही चल रहा है अभी और इस दौर के अंदर नामुमकिन है, और मैं समझता हूँ इस टाइप की गोट्स में जो मिल्किंग कैपेसिटी है वो 1.5 से लेकर 2 किलो तक है, 1.5 से लेकर 2 किलो तक मिल्किंग कैपेसिटी है। किड्स की कैपेसिटी मैंने आपको बताई है, ये 2 से लेकर 3 तक किड्स देती हैं और इनमें जो वेट है मैंने आपको बताया 25 kg से लेकर 28 kg तक ये गोट्स होती हैं। अब मैं आपको थोड़ी ब्यूटी इसकी गोट की चला के भी दिखा देता हूँ कि तो आपको इसको कलर और इसकी सारी चीजें मैं आपको दिखा दूँ इसकी। ये आप देख सकते हैं इसके कलर पैटर्न और इसकी सारी चीजें आपके सामने हैं। ये अब इस दौर के अंदर रह रहे, अब आप देखेंगे इसका ईयर्स की जो पोजीशन है बिल्कुल मारवाड़ी हॉर्स की तरह है। और इसके बाद मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताता चलूं कि इस दौर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें ऑल्ट्रेशन करते हैं। ऑल्ट्रेशन क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑल्ट्रेशन ये चीज है कि लोग जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो ईयर्स होते हैं वो स्टिच कर लेते हैं या कोई ऐसी चीज उसके साथ स्टिक करते हैं कि इसके ईयर्स बिल्कुल टर्न हो जाए, लेकिन उसको जज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है उसको ओरिजिनल चीज को पहचानने का कि आप उसके ईयर्स को जूम करके देखें और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये वापस खुद ब खुद मर्ज कर देगी। ये इसकी ओरिजिनलिटी की निशानी है। अगर उसके ईयर्स स्टिच हुए होंगे और आपने अगर उसको 1-3-4 बार आपने उसको यूं करना है और यूं फिर छोड़ देना है तो उसके ईयर्स वापस कभी अपनी जगह पे नहीं आएंगे। अगर यूं आप 3-4 बार करेंगे तो ईयर्स जो उसके ओरिजिनल ईयर्स होंगे वो उसी तरह आपको नजर आएंगे, उसका जो स्टिच हुआ होता है उसमें वो चीज नजर नहीं आएगी। और अमूमन तौर पे ये होता है कि कुछ लोग ऐसा टांका लगाते हैं कि 15-20 दिन बाद जब टांका वो हटाते हैं तो ईयर्स इस पोजीशन में हो जाते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको तब पता लगता है जब आप गोट परचेज कर लेते हैं और गोट जब वो बेबीज देती है यानी जब किड्स देती है, किड्स पे आती है तो उसके जो ईयर्स होंगे उसके किड्स के इस तरह नहीं होंगे क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं होते, उसमें अल्ट्रेशन हुई भी होती है तो वो आपको रिजल्ट उस तरह का नहीं मिलता। अब मैं समझता हूँ कि मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस ब्रीड को आम कर सकूँ, पाकिस्तान में ये ब्रीड आम हो जाए और वापस हम अपने ये सूबा-ए-सिंध की जो कदीम नस्लों में से एक नस्ल है बर्बरी ब्रीड जिसको कहा जाता है या इसको बरी भी कुछ लैंग्वेज में बोला जाता है, ये ब्रीड वापस पाकिस्तान में ये ब्रीड को आम कर सकूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो नारिजो गुड फार्म यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा जैसे ही चलाऊंगा तो आपको इसकी नेचुरल ब्यूटी नजर आएगी। अब आप इसके ईयर्स की पोजीशन देखें कि बिल्कुल ही इसके ईयर्स जो है ना मर्ज हुए हैं, आप ये मर्ज होते ही चलते हैं और इसमें जो कलर पैटर्न है वो बिल्कुल डियर वाला कलर पैटर्न है। ये आप देख सकते हैं इसकी ब्यूटी जो है बिल्कुल ईयर स्की और इसकी डियर वाला पैटर्न है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।